कच्चा मकान ढहने से किशोर की गई जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। जी हां, जनपद फतेहपुर के विकासखंड अमौली के अंतर्गत ग्राम गोहरारी में रात में बारिश की वजह से कच्चा मकान ढह गया, जिसके नीचे सो रहा 12 वर्षीय किशोर रौनक पुत्र सर्वेंद्र तिवारी, जो की कक्षा 9 का छात्र था, मोहन लाल गंज इंटर कॉलेज अमौली में पढ़ाई करता था। उसके दब जाने से पारिवारिक जन आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उपस्थित डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर की मां गुड्डी तिवारी जी इसी कच्ची छत के नीचे दब गई थी, जिसका उपचार भी सदर अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों की सूचना के बाद बिंदकी उप जिलाधिकारी महोदय वहां उपस्थित हुए हैं। उनसे बात करने के बाद उन्होंने बताया कि उचित जांच करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। ग्राम गोहरारी में राज्य कारागार मंत्री प्रतिनिधि कैलाश शर्मा, जिला पंचायत शिवबदन प्रजापति अमौली प्रतिनिधि जय नारायण वर्मा, पूर्व जिला मंत्री मनोज निषाद, पूर्व जिला मंत्री राम भक्त वर्मा, मंडल अध्यक्ष संतोष गुप्ता, वहीं चौकी इंचार्ज यशकरण सिंह के साथ सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण उपस्थित रहे तथा मृत के परिवारिक जनों को ढांढस बंधाते रहे। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता अनिल कुमार की खास रिपोर्ट फतेहपुर से। श्री सर्वेंद्र त्रिपाठी जी के बच्चे, सर्वेंद्र त्रिपाठी जी के बच्चे शिवा त्रिपाठी, उम्र लगभग 14 साल के, मृत्यु हो गई है। इनकी पत्नी भर्ती हुई है वहाँ, और दैवीय आपदा के अंतर्गत इनको मकान घर में बरसात के कारण गिरने से हुई है। दैवीय आपदा के अंतर्गत इनको तत्काल सहायता प्रदान किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ से जाने के बाद वो हो जाएगा।